भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज सात नगरी निकाय उपचुनाव में 6 निकायों में भाजपा ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना की थी। नदी जोड़ों के माध्यम से उनका अपना विराट दर्शन था। सच मानो तो उसमें कई लोगों को लगा था कि क्या यह संभव है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा कि यह बहुत उम्दा आइडिया है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। केन बेतवा प्रोजेक्ट में केवल 10% राशि मध्य प्रदेश और यूपी की लगेगी, बाकी राशि केंद्र सरकार देगी। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराना चाहूंगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया, अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे, परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 7 तारीख 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे, फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है, वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि एक तरह से हमारे पास ये 3 महीने का रोडमैप अभी तैयार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री लगातार हमारे पास इन कामों से जुड़ेंगे।